मोहतरम सत्यनारायण काड़े साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, सोशल वर्कर हैं, समाजी खिदमात में बहुत नुमाया किरदार उनका रहता है मतपुर में। वो इजहार तशक्कुर के लिए चंद लम्हात के लिए माइक पर आना चाहते हैं और वो ये फरीजा आप लोगों की मौजूदगी में अदा करना चाहते हैं। बस आपकी इजाजत क्योंकि जी अच्छा 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 ये अरे वाह। सबसे पहले आप सबकी खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। आदाब आदाब। पुलिस स्टेशन अहमदपुर की ओर से राष्ट्रीय एकात्मता पर आयोजित कुल हिंद मुशायरा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के अध्यक्ष जनाब दीक्षित गेड़ाम साहब अपर पुलिस अधीक्षक अंबाजोगाई एवं प्रमुख अतिथि मोहतरमा लता फड़ साहिबा अपर पुलिस अधीक्षक लातूर समय निकाल कर आए। इन दोनों की उपस्थिति से इस मुशायरे के ऊंचाई में शान में चार चांद लगे हैं। अहमदपुर वासी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारे शहर में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आए पूरी दुनिया में जाने माने बड़े नामवर और चोटी के शोहरा हजरत जनाब चरण सिंह साहब, मोहतरमा लता है साहिबा, जनाब राजेश रेड्डी साहब, जनाब नदीम फरूक साहब, जनाब अल्ताफ जिया साहब, जनाब अतुल अजनबी साहब, जनाब सिराज सोलापुरी साहब हमारी दावत को कबूल कर यहाँ तशरीफ लाए, हमें इस बात की बहुत खुशी है। इस मुशायरे के जरिए राष्ट्रीय एकात्मता का खूबसूरत सबक शायर हम तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए हम सभी आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अहमदपुर में हम हिंदू और मुस्लिम दोस्तों ने इससे पहले उर्दू साहित्य परिषद की ओर से ईस्वी सन 2009 और 2013 में मुशायरे रखे थे। इस वर्ष भी हम मुशायरे के आयोजन का सोच रहे थे और अहमदपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक जनाब सालार साहब ने हमें आश्चर्यचकित किया और कहा राष्ट्रीय एकात्मता पर मुशायरे का आयोजन पुलिस स्टेशन द्वारा करेंगे। एक शेर अर्ज करता हूँ। इरशाद। मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, वाह, मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, वाह, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी भी यह शहर उर्दू बोलता है। वाह 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 वाह। अहमदपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक जनाब सालार चौस साहब तथा उप विभागीय अधिकारी जनाब विजय जी कबाड़े साहब और उनके साथियों ने इस मुशायरी का आयोजन बहुत ही बढ़िया ढंग से किया है, इसलिए हम सभी अहमदपुर वासी आप सबकी ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। भविष्य में अहमदपुर में जब जब भी मुशायरा होगा हमें इस मुशायरे की और आप सब लोगों की जरूर याद आएगी। बहुत शुक्रिया। सारा शहर सोता है, सारा शहर सोता है, पुलिस भाई हमारी रक्षा करते हैं। सारा हिंदुस्तान सोता है, सारा हिंदुस्तान सोता है, फौजी भाई, फौजी जवान हमारी रक्षा करते हैं। इन सब भाइयों को सलाम, मैं सलूट मारता हूं आप सबको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जनाब बाबा साहेब जी यादव साहब, जनाब बाबा साहेब जी पाटिल साहब, जनाब अशोक केंद्र साहब, जनाब माधवराव वलसे साहब, जनाब महेंद्र जी खंडारे साहब, जनाब मुजीब पटेल जागीरदार,
जनाब डॉक्टर चंद्रकांत उगिले साहब, जनाब नवीद लश्करी साहब, जनाब मोहसिन भाईजी साहब, जनाब अभय मिर्कले साहब, जनाब दिलीपराव देशमुख साहब, जनाब सैयद घुड़न साहब, जनाब गनी बागवान साहब, जनाब सलीम पटवेकर साहब, जनाब सादिक चाऊ साहब, जनाब दत्तात्रेय जाधव साहब, जनाब अहमद पटेल साहब, जनाब मुजम्मिल तमोली साहब, जनाब दिलीप ठाकुर साहब, जनाब हरिभाऊ येरमे, जनाब मोहित कादरी साहब, इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये सब रहे बगैर ये काम ही नहीं हो सकता। हाँ साहब बिल्कुल, हाँ अब वो हिसाब बताएंगे। इस सर्दी के मौसम में हमारे शहर के सभी हाजरीन का और दूसरे शहरों से आए सभी उर्दू प्रेमी हिंदू मुस्लिम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी यह कोशिश है कि हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी जात धर्म है इनमें मोहब्बत भाईचारा परवान चढ़े, ऐसी नेक ख्वाहिशों के साथ अपनी बात एक शेर कहकर खत्म करता हूँ। नाते ये पहले शुरू में भाई साहब ने कहा था वही शेर है, फिर भी सुन लो। ना तेरा है ना मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, ना तेरा है ना मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जो मिल गई इसमें नदियां दिखाई नहीं देती, महासागर बनने में एहसान सबका है। मुझे इस कार्यक्रम के मंच पर आने का मौका दिया इसलिए मैं सभी आयोजकों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। टीवी का एडवर्टाइज खत्म हो गया समझो, फिर से आप मजे लो।